करनाल जिला कांग्रेस कमेटी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मौजूदा भाजपा सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। भाजपा सरकार में लोगों पर महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ रही है। मजदूर एक वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। ऐसे वक्त पर सरकार ने जो कांग्रेस के समय पर फूड एक्ट बनाया था कि हर गरीब को 5 किलो आटा हर राशन डिपो से सस्ते दाम पर मिलेगा, उस कानून को नजरअंदाज करके जो प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा राशन कार्ड के माध्यम से दिया जाता था, अब वह केवल 2 किलो आटा प्रति व्यक्ति को राशन कार्ड पर उपलब्ध है और 3 किलो बाजरा प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। करनाल जिले के एक गरीब व्यक्ति को जो 5 किलो आटा लेकर पेट पालते थे, उनको 3 किलो बाजरा देना उचित नहीं है, क्योंकि करनाल जिला के 90% लोग बाजरे का सेवन नहीं करते हैं। उनको बाजरे का सेवन करना कतई उचित नहीं है। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी व्यक्ति की भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग बाजरा खाने के आदि नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाजरे की सप्लाई बंद करके इसके जगह आटे की सप्लाई तुरंत की जाए और गरीब व्यक्तियों को तुरंत राहत दी जाए। देखिए एक रिपोर्ट। जब भारत में केंद्र की सरकार थी और केंद्र सरकार ने हमारे मुख्य प्रधानमंत्री राम मनमोहन सिंह जी ने एक कानून बनाया था जिसको फूड एक्ट के नाम दिया गया था, उसके तहत हर राशन डिपो पे गरीब व्यक्ति को 5 किलो आटा बड़े ही सस्ते भाव पर दिया जाएगा, जिससे मजदूर व्यक्ति गरीब व्यक्ति भरपेट खाना खा सकता था। लेकिन पिछले मोदी सरकार के दौरान हरियाणा के अंदर जो मजदूरों का हाल हुआ है, गरीब व्यक्ति नौकरी के लिए दिहाड़ी के लिए मजदूर तरस रहे हैं, फैक्ट्रियों में तालाबंदी हो चुकी है, उसी दौरान अब करनाल जिले के अंदर मौजूदा हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करके जो 5 किलो आटा पर व्यक्ति दिया जाता था उसकी जगह 2 किलो आटा और 3 किलो बाजरा दिया जाता है। हरियाणा सरकार को मालूम है कि करनाल जिले के लोग बाजरे का सेवन नहीं करते, बाजरे के आटे का सेवन नहीं करते, इसलिए धक्के से दिया जाता है। बाजरे की सप्लाई की जगह डिपुओं के माध्यम से आटे की सप्लाई करें, क्योंकि मजदूरों को बाजरा लेकर सस्ते भाव में बाजार पर बेचकर 30 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ता है, जिससे गरीब व्यक्तियों पर डिपुओं के माध्यम से जो 3 किलो बाजरा दिया जाता है उसको तुरंत बंद करें और पर व्यक्ति 5 किलो आटा दिया जाता है शुरू करें, क्योंकि 5 किलो से एक मजदूर हर पेट खाना खा सकता है अगर उसको समय पर मिल जाए। मैं बड़ा मनोहर खट्टर जो करनाल से विधायक भी हैं, सीएम सिटी हैं और हरियाणा के सीएम हैं, उसे आटे की सप्लाई दें, क्योंकि करनाल जिले के लोग बाजरा पसंद नहीं करते ना वो खाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से ये सरकार बनी है करनाल जिले के अंदर किसकी चलती है किसकी नहीं चलती इसका कुछ मालूम नहीं है। बहुत सारे हमारे जो पार्षद हैं भाजपा के जीत के आए और बहुत सारे पार्षद भाजपा के खिलाफ जीत के आए थे, उन्होंने भाजपा को ग्रुप में चले गए ये सोच कर कि उनके हलके का विकास कार्य होंगे, उनके वार्ड के विकास कार्य होंगे। लेकिन पिछले काफ़ी समय से सारे पार्षद बड़े परेशान हैं, कुछ खुलकर बोल रहे हैं कुछ खुलकर नहीं बोल रहे, उनके हलके का विकास नहीं हो रहा क्योंकि अफसरशाही पूरी तरह हावी है। अभी कुछ दिन पहले अनिल विज जी ने जो छापा मारा था, इससे नज़र आ रहा है कि नगर निगम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार छाया हुआ है, अफसरों की मोनोपली है, जो जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मेयर ने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया था कि हमारे साथ सीधा कॉन्टैक्ट करें।
काफ़ी लोगों की पता लगा, पेपर के माध्यम से शिकायतें आई हैं, लेकिन हल तो अफसरों ने करना है। अफसरदारी पूरी तरह हुई है, चुने हैं नुमाइंदों की बेकदरी हो रही है, जो भाजपा के पार्षद हैं वो भी खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे साफ नज़र आता है कि CMCT में विकास कार्य पूरी तरह रुक गए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।